बताएं, पीएफआई के खिलाफ एनआईए का एक्शन बहुत तेजी से चल रहा है और अलग अलग सोर्स से ठिकाने बताए जा रहे हैं जहां एनआईए को पहुंचना है। इस बीच बड़ा अपडेट आप जानिए, ओमा अब्दुल सलाम को गिरफ्तार कर लिया गया है। पीएफआई पर एनआईए ने एक्शन तेज किया है। एनआईए ईडी की ये संयुक्त छापेमारी, केरल से ओमा अब्दुल सलाम की गिरफ्तारी की गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं क्योंकि जहां जहां एनआईए की टीम पहुंच रही है वहां वहां पीएफआई के जरिए प्रदर्शन तेज किया गया। अब केरल से ओमा अब्दुल सलाम की गिरफ्तारी की गई है और जानकारी ऐसी कि कुछ बड़े तथ्य एनआईए के हाथ लगे हैं और कुछ बड़ी जानकारी और मिल भी सकती है। सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता तौर पर किए गए हैं, टेरर फंडिंग का आरोप है और साथ ही साथ इस तरह की आतंकी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए कैंप्स लगाने की भी योजना पीएफआई के जरिए जगह जगह अलग अलग वक्त पर बनाई गई और वो अलग अलग खबरों के जरिए सामने आई भी है। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ पूजा जुड़ गई है न्यूज रूम से मेरे साथ लाइव। पूजा, पीएफआई की लगातार जिस तरीके से आतंकी गतिविधियों में संलिप्तता पाई गई, ये कार्रवाई जरूरी भी थी। एनआईए रेड डाल रही है अलग अलग राज्यों में, अलग अलग ठिकानों पर ओमा अब्दुल सलाम की गिरफ्तारी, ये कितना बड़ा इसे कहें कि कामयाबी की तरफ कदम है। उमा अब्दुल्ला की बात करें, एक बड़ा चेहरा पीएफआई का है, चेयरमैन कहे जाते हैं पीएफआई के, और उनके हाथ में जो है काफी कुछ कमान इसकी थी और काफी जो है पूरे फैसले जो है इनके हाथ में थे। तो इनकी गिरफ्तारी अगर बात करें तो बहुत बड़ी कामयाबी मानी जा सकती है। केरल से गिरफ्तारी संभव हो पाई है, तस्वीरें लगातार दिखा रहे दर्शकों को किस तरीके से संभव हुई है। ओमा अब्दुल की बात करें तो ओमा अब्दुल जो है पीएफआई के एक बड़ा चेहरा बताया जाता है और इस बड़े चेहरे की गिरफ्तारी के बाद आप ये मानिए कि रचना की किस हद तक जो है ये पूरी जांच चल रही है। आपको बता दें इस महीने के शुरू में 40 जगह पर छापे मारे गए, 18 तारीख को फिर छापे मारे गए और आज भी पिछले 24 घंटे से जो है छापेमारी चल रही है, 100 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। ओमा अब्दुल एक बड़ा नाम है और इस बड़े नाम की गिरफ्तारी से आप समझ सकते हैं कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। आप कितने बड़े हैं, क्या पैसा है आपके पास, क्या पावर है, आप क्या रसूख रखते हैं, लेकिन पीएफआई से कनेक्शन आपका है तो आप मान के चलिए पीएफआई से कनेक्शन होने की वजह से आपको यहाँ पर कोई बख्शेगा नहीं। यहाँ पर एनआईए की छापेमारी चल रही है, साथ में ईडी भी है और लोकल पुलिस बॉडी, ये तीनों मिलकर छापेमारी कर रही है। दिल्ली की बात करें, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, असम की बात करें, बिहार की बात करें, चाहे तेलंगाना आंध्र प्रदेश की बात करें, केरला की बात करें, तो तमाम जगहों पर रचना ये कार्रवाई चल रही है और ओमा अब्दुल की गिरफ्तारी एक बड़ी जो है कामयाबी मानी जा सकती है। क्योंकि इस व्यक्ति की गिरफ्तारी के बाद आप ये मानकर चलिए ये तार कहां कहां पर जुड़े हुए हैं, ये टेरर फंडिंग कहां पर कैसे की जाती है, पैसा कहां से आता है और कैसे पहुंचाया जाता है, ये तमाम चीजें साफ होंगी। क्योंकि इससे पहले भी जो अगर हम देखें छापेमारी की गई है उसमें 8.5 लाख रुपए से ज्यादा कैश बरामद किया गया, कुछ डिवाइसेस बरामद की गई, आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए, कुछ हथियार बरामद किए गए। तो आप मान के चलिए कि आप ये समझिए कि ओमा अब्दुल की गिरफ्तारी जो है एक बड़ा जो है हाथ कहा जा सकता है, बड़ा हाथ लगा है यहाँ पर एनआईए के हाथ लगा है और इसकी गिरफ्तारी के साथ बहुत सारे और कहते भी है कि अगर किसी बड़े संगठन को कमजोर करना है तो फिर उसमें जो चीफ होता है अगर उस तक पहुंचा जाए तो फिर रीढ़ कमजोर हो जाती है और यही पीएफआई के लिए भी एनआईए ने किया है। यहाँ अगर ओमा अब्दुल सलाम गिरफ्तार कर लिया गया है तो समझिए कि पीएफआई की रीढ़ टूट गई है और आगे इसके और लिंक्स खंगालने में या फिर इसके बारे में जानकारी जुटाने में आसानी होगी। आप ठीक कह रही है पूजा कि अलग अलग वक्त पर एनआईए की छापेमारी हुई है। हमने ये भी देखा है कि देश विरोधी गतिविधियों में कैसे संलिप्तता बार बार रुक रुक कर अलग अलग खबरों के जरिए पीएफआई के सामने आई है। एक और बड़ा अपडेट इस छापेमारी से जुड़ा हुआ दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। देश के कई ऐसे राज्य हैं जहां पर एनआईए की छापेमारी चल रही है और अब ये कहा जा रहा है कि एनआईए और ईडी की ये जो संयुक्त छापेमारी है, साझा छापेमारी, ये अब तक का सबसे बड़ा एक्शन है। यूपी, केरल, तेलंगाना, तमिलनाडु में एनआईए का छापा पड़ा है। सीएफआई और उससे जुड़े हुए जितने भी ठिकाने हैं वहां एक एक करके एनआईए पहुंच रही है। टेरर फंडिंग का यहां खुलासा होने वाला है। कैंप जो अलग अलग चलाए गए उसमें देश विरोधी गतिविधियों को कैसे अंजाम देना है, कैसे यहाँ पर आतंक से जुड़ी हुई गतिविधियों को अंजाम देना है, ये सब कुछ सिखाया जाता था अलग अलग कैंप्स की आड़ में। कहीं कहते थे कि कराटे सिखाए जा रहे हैं, जूडो कराटे सिखाए जा रहे हैं, कहीं कह रहे थे डिफेंस की ट्रेनिंग दी जा रही है। ईडी एनआईए ने 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और ये वो लोग हैं जो इस छापेमारी का विरोध कर रहे थे। अलग अलग जगह पीएफआई की तरफ से अब प्रदर्शन भी किया गया, गुस्सा भी दिखाया गया, जिसमें 100 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई है।
अब जगह जगह जो छापेमारी की कार्रवाई है उससे जुड़ी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। जो जो लिंक्स निकलेंगे, जो जो सबूत सामने आएंगे वो एनआईए के हाथ लगने वाले हों, और एनआईए की तरफ से बहुत जल्द हो सकता है इसका खुलासा किया भी जाए। लेकिन अभी चूंकि कॉन्फिडेंशियल तरीके से ये छापेमारी चल रही है और जो कुछ इस छापेमारी में हाथ लगेगा वो अंत में हो सकता है कि मीडिया को ब्रीफ किया जाए। पीएफआई से जुड़े हुए 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है ताकि और लोगों को सबक मिले कि एनआईए की कार्रवाई में किसी भी तरह से बाधा नहीं लानी है। आप समझिए कि अलग अलग राज्यों में अगर एनआईए पहुंच रही है, एनआईए के साथ ईडी की टीम भी है, तो ये बहुत बड़ा एक्शन है। अलग अलग वक्त पर पीएफआई को बैन करने की मांग होती रही है और देश विरोधी गतिविधियों में पीएफआई का नाम सामने आना, ऐसे बहुत से संकेत हैं। सीनियर कुलीग राकेश कुमार सिंह इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। राकेश, इससे पहले भी पीएफआई के खिलाफ कार्रवाई हुई है, एनआईए ने छापेमारी की है, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में ये छापेमारी पहली बार है जिसमें एनआईए शामिल है, ईडी शामिल है और 100 से ज्यादा गिरफ्तारियां तो अब तक हो गई हैं। राकेश, आप म्यूट हैं। राकेश, आवाज आ रही है आपको? रचना, मेरे आपकी आवाज आ रही है? जी जी। सबसे महत्वपूर्ण बात जो कि जो खुलासा हो रहा है कि टेरर फंडिंग और कैंप चलाने के मामले में पीएफआई के खिलाफ बड़ा एक्शन ईडी और एनआईए ने किया है। केरल, तमिलनाडु और यूपी समेत देश के 10 राज्यों में एनआईए और ईडी की लगातार छापेमारी चल रही है, जिसमें पीएफआई के स्टेट से लेकर जिला स्तर के नेताओं के घर पर छापेमारी की गई है। उसमें करीब जो है 100 से अधिक कैडर को गिरफ्तार किया गया है। एनआईए और ईडी के राडार पर पीएफआई के चेयरमैन ओएम सलाम लगातार बने हुए थे और जिस तरह से एजेंसियों के पास ये जानकारी मिल रही थी कि किस तरह से ये जो संगठन है किस तरह से देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है, जिस तरह से युवाओं को भड़काऊ भाषण देना हो या जिस तरह से रेडिकलाइज करने की बात हो या कई अहम सबूत एजेंसियों के हाथ लगे थे। जहां तक बात है कि बिहार में आपने देखा था कि फुलवारी शरीफ की घटना में आपने देखा था कि किस तरह से पीएफआई के हाथ सामने आए थे, तो ये तमाम जो हैं एनआईए के हाथ दस्तावेज हाथ लगे थे और जिसके तहत ये कार्रवाई की गई है, तो ये बड़ी कार्रवाई आप देखने को मिली है और जिस तरह से लगातार मांग की जा रही थी। अलग अलग वक्त पर पीएफआई को लेकर आपने जानकारी दर्शकों तक पहुंचाई है, एक्सक्लूसिव जानकारी भी पहुंचाई है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, बिहार के फुलवारी शरीफ में मुझे याद आता है वो दिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा भी था और उसके बाद ये खुलासा हुआ था कि पीएफआई की तरफ से कुछ अलग तरीके की साजिश हो रही है इस दौरे को लेकर भी। लेकिन अलग अलग वक्त पर जब सरकार से मांग की गई कि पीएफआई को बैन किया जाना चाहिए, तो सरकार की तरफ से जो भी प्रतिनिधि सामने रहे उनकी तरफ से कहा गया कि ये सब कार्रवाई चल रही है, अभी पाइपलाइन में है, बहुत जल्द ऐसा होगा भी। तो क्या ये समझा जाए राकेश कि अब पीएफआई बैन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं सरकार के ये कदम या फिर एजेंसियों के ये कदम? साथ ही साथ उमा अब्दुल सलाम को लेकर जो आपने जानकारी दी, चीफ है पीएफआई का, इसकी गिरफ्तारी किस किस मायने में खास है? देखिए, ये पीएफआई अध्यक्ष ओएम सलाम लगातार जो है इसके खिलाफ जो है एजेंसियों के पास लगातार बातें सामने आ रही थी किस तरह से जो है ये देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है और किस तरह से युवाओं को भड़काने की कोशिश कर रहा है, चाहे ट्रेनिंग के नाम पर हो या जो है संगठन की रैली की बात को लेकर। और आपने देखा कि जब उसके घर छापेमारी की गई, इस दौरान पीएफआई कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन भी किया और चेयरमैन के घर बाहर जो है सैकड़ों कार्यकर्ताओं का हुजूम देखने को मिला। तो आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि आखिरकार पीएफआई को ये किस तरह से चलाता था। तो ये तमाम जो दलीलें हैं, तमाम जो सबूत हैं, वो केंद्रीय एजेंसी के पास है और इसी को लेकर ये बड़ी कार्रवाई की गई है। पहले कई दिनों से लगातार ये मांग की जा रही थी कि पीएफआई को बैन किया जाए और हमने जब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री
अजय मिश्रा टेनी का जब इंटरव्यू किया था। राकेश आप रहिए। इस बीच एक बड़ा अपडेट दर्शकों को बता दें, दिल्ली के शाहीन बाग से पीएफआई का दफ्तर शिफ्ट करने की खबर है। ये बड़ा अपडेट देश की राजधानी दिल्ली से मिल रहा है, जहां ऑफिस था वहां शिफ्ट करने के लिए बोर्ड लगा दिया गया और यहां पर आनन फानन में ये ऑफिस शिफ्ट किया गया है, ये भी जानकारी मिल रही है। मतलब जब इतने बड़े स्तर पर एनआईए और ईडी ने शिकंजा कसा है पीएफआई पर, तो ऐसे में दिल्ली के शाहीन बाग में भी जहां पर पीएफआई का ऑफिस था वहां से ऑफिस शिफ्ट किया गया और शिफ्ट करने का बोर्ड भी लगाया गया है। पीएफआई पर अब शिकंजा एनआईए और ईडी का, और ये अब तक का सबसे बड़ा एक्शन माना जा रहा है। जतिन गोस्वामी, पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। देश की केंद्रीय एजेंसी एनआईए और ईडी की ये कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश जैसे 10 राज्य हैं जहां पर ईडी और एनआईए की रेड पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ठिकानों पर पड़ी है, उनके दफ्तरों और इनके नेताओं के रेजिडेंशियल एड्रेसेस पर पड़ी है। इस समय हम दिल्ली के शाहीन बाग में हैं, जहां पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का नाम कई बार सामने आया है, क्योंकि पीएफआई पर यहां शाहीन बाग में जो धरने पर लोग बैठे थे उनको भड़काने के भी आरोप लगे थे। आप यहां पर, मैं आपको दिखाता हूं, वो ऊपर आपको दफ्तर नजर आएगा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जहां पर लिखा हुआ है, क्योंकि देश के 10 राज्य हैं जिनमें कुछ राज्यों का नाम सामने आ चुका है जहां पर एनआईए और ईडी की रेड चल रही है। इस बीच दिल्ली का ये दफ्तर है जहां पर हम पहुंचे हैं, लेकिन यहां पर आनन फानन में बोर्ड को देखिए किस तरह से मैन्युपुलेट किया गया है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के बीच में जो फ्रंट लिखा होता है उसको मिटाने की कोशिश अचानक से की गई है। G78 शाहीन बाग, कालिंदी कुंज, नोएडा रोड, न्यू दिल्ली 110025, ये एड्रेस था जहां पर पीएफआई का दफ्तर हुआ करता था। लेकिन अब जानकारी यह है कि यहां से आनन फानन में इस दफ्तर को शिफ्ट कर दिया गया है। शिफ्ट कहां कर दिया गया है वो जरूर हम आपको बताएंगे, क्योंकि जिस तरह से ये पूरी रेड कंडक्ट हो रही है, और पहले पीएफआई का नाम कई बार आतंकी गतिविधियों से जोड़ा गया है, आरोप लगते रहे हैं, और उसके बाद कई बार पहले भी पीएफआई को बैन करने की मांग की जाती रही है। यहां पर देखिए बिल्डिंग का जो निचला दूसरी तरफ का हिस्सा है वो आपको दिखाते हैं। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर शिफ्टेड टू F30/1BZ अपार्टमेंट, अलामा शिबली नोमानी रोड, शाहीन बाग, न्यू दिल्ली 110025, यानी इस बिल्डिंग में जो दफ्तर था वो फिलहाल शिफ्ट कर दिया गया है। ये आपको अंदर से बिल्डिंग जरूर सुधीर दिखाएंगे कि अंदर क्या कुछ सूरत हाल है, और इसके हमने आपको दिखाया कि ग्राउंड के बाद फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पर जहां ये बोर्ड लगा हुआ था वो हमने आपको बाहर की तरफ से दिखाया। ये गली है शाहीन बाग की, और इस जगह के बारे में और ज्यादा डिटेल अगर आपको दें तो ये बता दें कि CAA और NRC के खिलाफ जो प्रोटेस्ट हुआ था उसमें जब उग्र प्रदर्शन हुआ तो पीएफआई पर ये आरोप लगा कि पीएफआई के लोगों ने भड़काया था उस पूरे प्रदर्शन को। लेकिन अब फिलहाल पीएफआई सुर्खियों में पिछले दिनों रहा है, जब एनआईए की रेड कंडक्ट की गई थी और कई लोगों को हिरासत में लिया गया था, लेकिन आज क्योंकि पीएफआई के करीब 100 ऐसे कैडर्स हैं जिनको पकड़ा गया है, 50 से ज्यादा ठिकानों पर रेड हुई है जहां से उन्हें पकड़ा गया है, और लगातार ये कार्रवाई जारी है। जैसा कि हमने शुरू में ही बताया कि 10 राज्यों में ये जो रेड है वो कंडक्ट की गई है। शाहीन बाग का ये इलाका सुर्खियों में कब रहा था, सामने की तरफ, उधर मैं आपको कहूंगा सुधीर दिखाएं कि सामने की तरफ जब यहां पर CAA से जुड़े प्रोटेस्टर्स बैठे हुए थे और उग्र प्रदर्शन, कई लोगों से मारपीट की जाती थी, पुलिस कर्मियों को नहीं बख्शा जाता था और साथ साथ पत्रकारों को भी निशाना बनाया जाता था, तो आरोप यही है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के जो ये दफ्तर है, कर्मी यहां पर जो थे उन्होंने लोगों को प्रोवोक किया था, और उसके बाद जो आंदोलन है वो उग्र रूप लेता हुआ दिखाई दिया था। गृह मंत्रालय की इस पूरे रेड जो हो रही है ईडी और एनआईए की, उस पर नजर है, वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं और कोई बड़ा खुलासा इस मामले में हो सकता है। हालांकि अभी तक पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की तरफ से इस मामले पर कोई बयान नहीं आया है। दिल्ली के शाहीन बाग में कैमरामैन सुधीर के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज।
जतिन ने बहुत अच्छे से दिल्ली में शाहीनबाग की लोकेशन दिखाते हुए, वो गलियां दिखाते हुए बताया कि कैसे पीएफआई का ऑफिस अब शिफ्ट हो गया है। हमारे साथ राकेश भी है, जतिन भी जुड़ेंगे, शक्ति हमारे साथ बिहार से जुड़ गए हैं, पूजा न्यूज रूम से इस बड़ी खबर पर बने हुए हैं। हर एक अपडेट आप तक सबसे पहले। बाग से पीएफआई के ऑफिस को आनन फानन में शिफ्ट करने की खबर है। शाहीन बाग में एक जगह से दूसरी जगह पीएफआई के ऑफिस को शिफ्ट किया गया है, वो भी उस वक्त पर जब आज देश में पीएफआई के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई एनआईए और ईडी का ये साझा ऑपरेशन कहा जा रहा है। जगह जगह पीएफआई के खिलाफ एनआईए और ईडी ने साझा ऑपरेशन चलाते हुए रेड मारी है और अलग अलग राज्यों में 100 से ज्यादा ऐसे ठिकाने हैं जहां पर एनआईए की टीम पहुंची है। ऐसे में दिल्ली से साथ देश में कई राज्यों में अलग अलग ठिकानों पर पीएफआई के खिलाफ एनआईए का बहुत बड़ा एक्शन चल रहा है। चेन्नई में पीएफआई कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन पर भी उतर आए। एनआईए रेड के खिलाफ पीएफआई का विरोध प्रदर्शन ये चल रहा है और ये माना जा रहा है एनआईए ने पिछले दिनों भी हालांकि छापेमारी की है, लेकिन एनआईए और ईडी साझा तौर पर अगर इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं तो माना यह जा रहा है कि अब तक का सबसे बड़ा एक्शन है, क्योंकि देश के अलग अलग राज्यों में 100 से ज्यादा ऐसे ठिकाने हैं जहां पर एनआईए की टीम पहुंच गई है या फिर कुछ ठिकाने ऐसे हैं जहां पर पहुंचने वाली है और बहुत कुछ हाथ लगा है एनआईए की टीम के। देश विरोधी गतिविधियों में पीएफआई का नाम रहकर बार बार सामने आया है और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर पीएफआई को बैन करने की मांग भी सरकार से की गई है। ऐसे में बिहार से लेकर यूपी तक, तेलंगाना से लेकर तमिलनाडु तक एनआईए की टीम पहुंची हुई है और पीएफआई पर शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। 100 से ज्यादा कैडर्स ऐसे हैं जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। जगह जगह विरोध प्रदर्शन करने को लेकर एनआईए और ईडी, ये संयुक्त छापेमारी एनआईए और ईडी की तरफ से की गई है, जिसमें पीएफआई से जुड़े हुए कई दस्तावेज भी हाथ लगे हैं, कई ऐसे सबूत भी हाथ लगे हैं जो आने वाले वक्त में पीएफआई की मुश्किलें बढ़ाने वाले हैं। हमने चंद मिनट पहले आपको रिपोर्ट दिखाई जिसमें दिल्ली के शाहीनबाग में पीएफआई दफ्तर को शिफ्ट किया गया, वो भी आनन फानन में। तमिलनाडु में यश समीर राजू किस तरीके से पीएफआई के खिलाफ एक्शन हो रहा है ये बताएंगे। यश समीर राजू, किस तरीके से अभी एनआईए और ईडी को लेकर जानकारी मिल रही है, कहां कहां एक्शन हुआ है, कहां कहां क्या सबूत हाथ लगे हैं और पीएफआई की तरफ से विरोध प्रदर्शन भी खूब हो रहा है। मैं अब साफ तरह से देख सकते हैं कि मैसिव क्रैकडाउन हो चुका है। सुबह से जब देख सकते हैं कि ये नए रेड्स हो रही है, तो इस जगह ये है पीएफआई का दफ्तर चेन्नई में। मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहता हूं कि यही ऑफिस है जहां ये नए रेड्स कर रही है। तो मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहता हूं कि यहां पीएफआई ऑफिस है जहां मतलब सुबह 7 बजे से रेड हो रहा है। एक तरफ से हम ये भी देख पा रहे हैं कि बहुत सारे पीएफआई के सपोर्टर्स भी आ चुके हैं इधर लोकेशन पे। वो साफ साफ बता रहे हैं कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा गेम पे ब्लेम कर रहे हैं, मगर हम साफ तस्वीरों में देख सकते हैं कि यही जगह है, यही दफ्तर है ऑफिस तमिलनाडु में जहां पीएफआई की मतलब रेड हो रही है। एक तरफ से हम साफ साफ देखा कि बहुत सारे जगह तमिलनाडु में जहां से लेके कोयम्बतूर से लेके तेनी दिंडीगल सब जगह रेड्स हो चुके हैं, 10 जगह पे रेड्स हो रही है एक तरफ से। और एक तरफ से हम साफ साफ पता चल रहा है कि मैसिव क्रैकडाउन हो चुका है क्योंकि देश के बहुत सारे इलाकों में ये नए रेड सुबह से हो रही है। तो एक तरफ से हम साफ साफ देखा कि सुबह से लेकर अभी तक रेड्स कंटिन्यू हो रही है और कुछ जगह पे लोग अरेस्ट भी हो रहे हैं, मगर अभी तक तमिलनाडु से कोई अरेस्ट नहीं हुआ है। मगर 10 से 11 जगह पे रेड्स चल रही है और इस चेन्नई के दफ्तर में अभी आप देख सकते हो कि हेवी सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट भी किया गया हुआ है पुलिस को लेकर और बहुत सारे पीएफआई सपोर्टर्स भी आ चुके हैं। हाँ। और साफ साफ वो भी बता रहे हैं कि ये सेंट्रल एजेंसीज की वेंडेटा प्ले गेम है। तो एक तरफ से हम साफ साफ ये भी देख सकते हैं कि पूरी तस्वीर में कि यही पीएफआई ऑफिस है जहां सुबह से रेड हो रही है एक तरफ से। और हम ये भी पता चल रहा है कि अभी कुछ देर पहले पुलिस सिक्योरिटी भी हाई चुकी थी और पीएफआई के सपोर्टर्स विरोध भी कर रहे थे। तो हम साफ साफ देख पा रहे हैं कि सुबह से लेकर अभी तक रेड हो रही है और सुबह 10 जगह से तमिलनाडु में 10 जगह पे रेड हो रही है, उनकी गिरफ्तारी भी हुई है। 100 से ज्यादा पीएफआई कार्यकर्ता गिरफ्तार भी किए गए हैं। यश समीर राजू आप रहिए हमारे साथ, बिहार से शक्ति भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, न्यूज रूम से कंचन हमारे साथ है और थोड़ी देर में दिल्ली से हमारे साथ जतिन गोस्वामी भी जुड़ेंगे ज्यादा अपडेट के साथ। शक्ति पहले आपके पास आते हुए, बिहार में फुलवारी शरीफ में किस तरीके से देश विरोधी गतिविधियां तेज हुई और कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे पर भी निशाना साधा गया था, ये पिछले दिनों जांच में सामने आया, अभी कहां कहां कार्रवाई हो रही है, क्या क्या अब तक की कार्रवाई में मिला है? ज्यादा हो रही है, औरंगाबाद में हो रहा है, पूर्णिया में, अररिया में भी जो है एनआईए की छापेमारी लगातार जो है वो चल रही है। जिस तरह से पटना में कुछ दिनों पहले जो है टेरर फंडिंग का मामला आया था एनआईए की पटना पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया था जिसमें कि कई संदिग्ध जो फुलवारी में पकड़े गए थे जिसमें 22 से ज्यादा लोग
दर्ज किया गया था, उसमें कई लोगों की गिरफ्तारी भी हो गई है और उन लोगों से ही पूछताछ में जो बरामद हुई थी, खासकर फुलवारी में जो है कंप्यूटर हार्ड डिस्क और डॉक्यूमेंट बरामद हुए थे, उसके आधार पर एनआईए की जो है छापेमारी लगातार हो रही है। सीमांचल का जो एरिया है, खासकर सीमांचल में अल्पसंख्यक खासकर मुस्लिम समुदाय के लोग ज्यादा है और ऐसे में वहाँ पे जो छापेमारी जो की जा रही है काफी अहम माना जा रहा है। बता दें कि पटना के फुलवारी में एक जो है ना एक छापेमारी हुई थी, उसमें जो है सात पेज का एक डॉक्यूमेंट मिला था जिसमें गजवाए हिंद की बड़ा ये एक्शन है और अलग अलग राज्यों में अगर एक साथ ये छापेमारी की कार्रवाई चल रही है तो इसे बड़े एक्शन के तौर पर देखा जा रहा है, सबूत जुटाना है और फिर आगे एक्शन भी लेना है। जतिन हमारे साथ दिल्ली से मौजूद है। जतिन, शाहीन बाग में अचानक से ऑफिस क्यों शिफ्ट किया गया है, आपके सोर्सेज क्या कह रहे हैं, कार्रवाई कैसे हुई है यहाँ पर? देखिए, अभी हम इंतजार कर रहे हैं कि पीएफआई की तरफ से भी कोई जवाब आ जाए, लेकिन यहां पर जब हम पहुंचे हैं तो एक बोर्ड लगा हुआ हमें मिला है, वो मैं बोर्ड आपको दिखा देता हूं। दोबारा से मैंने अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया था कि यहां से जो ऑफिस है वो एफ ब्लॉक में शिफ्ट कर दिया गया है और क्योंकि हम इस मामले पर पूरी जानकारी क्योंकि लेंगे और इंडिया न्यूज हमेशा हम दिखाते हैं कि हर एक चीज को क्लियर कर लें, तो फिलहाल ये देख लीजिए कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर शिफ्टेड टू F30/1BZ अपार्टमेंट अलामा शिबली नोमानी रोड शाहीन बाग न्यू दिल्ली। शाहीन बाग में ही शिफ्ट हालांकि इसे किया गया है, लेकिन इस बिल्डिंग में पहले पीएफआई का दफ्तर था, क्योंकि ये जो बिल्डिंग है ये कहां पर है ये भी मैंने अपनी रिपोर्ट में जरूर बताया था कि कैसे इसके ठीक सामने CAA NRC का जब प्रोटेस्ट हुआ था तो आरोप लगे थे पीएफआई पर, हालांकि उस पर जवाब भी पीएफआई ने जरूर दिया था। सामने का ये रोड है जहां पर जो प्रोटेस्ट है वो हुआ था, क्योंकि इस पूरे अब रेड पर चाहे ईडी की हो एनआईए की रेड हो इस पर गृह मंत्रालय की खुद नजर है, मॉनिटरिंग पूरे मामले को किया जा रहा है। ये भी जानकारी है सूत्रों के मुताबिक कि शाहीन बाग से दो लोगों को डिटेन भी किया गया है, लेकिन क्योंकि अभी ऑफिशियल होना उसका बाकी है तो वो हम आपको जरूर थोड़ी देर में अपडेट देंगे। लेकिन ये जो दफ्तर है जो शिफ्ट हो चुका है वो यहाँ पर सेकंड फ्लोर पर था, ऊपर देखिए यहाँ पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया आपको लिखा हुआ नजर आएगा, लेकिन फ्रंट जो है उसके बीच का हिस्सा उसको मिटाने की कोशिश यहाँ पर की गई है। टीम जो है एनआईए की दिल्ली में भी तमाम जगहों पर जानकारी है कि पहुंच रही है, लेकिन धीरे धीरे जो ठिकाने हैं वो क्लियर हो रहे हैं, कहां कहां जो एनआईए की रेड है वो दिल्ली में भी कंडक्ट हो रही है। बिल्कुल, और आप कह रहे हैं दिल्ली से दो लोगों को डिटेन किया गया है लेकिन जानकारी अभी आना बाकी है। जयपुर से विष्णु भी हमारे साथ हैं, उनका रुख करेंगे, लेकिन पहले कंचन, उमा अब्दुल सलाम की गिरफ्तारी को किस तरीके से देखा जाए? हालांकि अब तक जो पीएफआई कार्यकर्ता हैं उनकी संख्या 100 से ज्यादा है जिन्हें गिरफ्तार किया गया है अलग अलग राज्यों से। ये आंकड़ा 100 पार कर चुका है, 106 ये जानकारी मिल पा रही है कि 106 पीएफआई से जुड़े लोग जो है वो इस वक्त एनआईए की गिरफ्त में आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर केरल तक देश भर के 10 राज्यों में एनआईए की छापेमारी जारी है और पिछले कई दिनों से चल रही थी, लेकिन अचानक कल रात जानकारी ये भी रचना मिल पा रही है कि इस पूरी रेड को जो है गृह मंत्रालय खुद इस पर नजर बनाए रखा हुआ है। कई प्रमुख दिल्ली में भी पीएफआई का प्रमुख गिरफ्तार हुआ है, एक के बाद एक बड़ी गिरफ्तारी हो रही है। 106 पीएफआई से जुड़े सदस्य गिरफ्तार किए जा चुके हैं। टेरर फंडिंग मामले को लेकर ये पूरी रेड एक तरह से एनआईए की तरफ से चलाई जा रही है। एक तो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं जो एनआईए कार्रवाई इस वक्त कर रही है कल रात से, दूसरी तस्वीर ये भी है जो पीएफआई के सदस्य सड़कों पर उतर आए हैं, एनआईए के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और ये जो एनआईए की रेड जारी है टेरर फंडिंग मामले में जो उनके तार जुड़े हुए हैं उसके खिलाफ हल्ला बोल करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन रचना, ये आंकड़ा बढ़ेगा, लगातार बढ़ता जाएगा, क्योंकि खुद केंद्रीय गृह मंत्रालय इस पूरे मामले पर अपनी नजर बनाए हुआ है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आंकड़ा बढ़ेगा क्योंकि अभी तो ये सुबह सुबह का वक्त है। अगर अलग अलग राज्यों में 100 से ज्यादा ठिकानों पर एनआईए की टीम पहुंची है और आप कह रही हैं 106 वो संख्या हो गई जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, तो अभी पूरा दिन जब कार्रवाई होगी तो कार्रवाई और तेजी से होगी, गिरफ्तार होंगे और सबूत भी एनआईए और ईडी की टीम जुटाएगी। विष्णु हमारे साथ जयपुर से हैं। विष्णु, राजस्थान में अलग अलग इलाकों में कैसे एनआईए और ईडी की छापेमारी चल रही है, अब तक आपके पास जानकारी क्या है? देखिए, एमडी रोड और मोती डूंगरी रोड पर दो स्थानों पर जयपुर में कार्रवाई हुई है। फिलहाल हम एमडी रोड पर मौजूद हैं, यहाँ पर करीब 4 घंटे एनआईए की जो टीम है वो मौजूद रही, कई अहम दस्तावेजों को एनआईए ने लिया अपनी गिरफ्त में, साथ ही कुछ लोग जो यहाँ पर ऑफिसर्स में मिले थे उनको भी डिटेन किया था। लेकिन फिलहाल यहाँ से अभी तक जो जानकारी मिल पा रही है किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई है, जो ऑफिस में जो लोग मौजूद थे उनसे अभी हाल फिलहाल जो है पूछताछ की गई थी, साथ ही जो पीएफआई की जो ऑफिसर्स है उसके बाहर कुछ
लोग इकट्ठा हो रहे हैं उसको देखते ही एहतियात के तौर पर पुलिस भी लगाई गई है, जो कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हो, मेरे पीछे जिप्सी यहाँ पर तैनात की गई है। थोड़ी देर के लिए इस रोड को भी बंद किया था, लेकिन अभी जो एमडी रोड है उसको भी खोल दिया है, साथ ही जो एनआईए की टीम है वो भी यहाँ से रवाना। और ये एहतियात जरूरी भी है विष्णु, आप रहिएगा हमारे साथ। यश समीर राजू का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। यश समीर राजू, तस्वीरें दिखाते हुए एक बार ताजा अपडेट बताइए दर्शकों को। देखिए अभी तक रेड खोज रही है और रेड जारी है। एक तरफ से मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहता हूँ कि यही दफ्तर है पीएफआई का, जहाँ सुबह से लेकर रेड हो रहा है। तो कुछ देर पहले हम साफ साफ देख पा रहे थे कि पीएफआई के सपोर्टर्स विरोध कर रहे थे कुछ देर पहले, पर बाद में जब पुलिस की सिक्योरिटी बढ़ा दी, उन लोग को वैकेट करने के लिए बोला हुआ था। तो अब साफ तस्वीरों में देख सकते हो कि यही है पीएफआई की दफ्तर जहां से रेड हो रही है। और तमिलनाडु में लगातार 10 जगह में रेड हो रही है, सुबह से लेकर अभी तक 10 जगह पर रेड हो रही है और 7 बजे से लेकर अभी तक रेड कंटिन्यूस जा रहे हैं। तो एक तरफ से बहुत सारे एरियाज पे, जैसे कोयम्बतूर में साफ साफ देखा कि पीएफआई के सपोर्टर्स आके रोड पे बैठ गए थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। साफ साफ ये भी बता रहे थे कि ये लोग सेंट्रल एजेंसी का, सेंट्रल गवर्नमेंट का आज पॉलिटिकल वेंडेटा क्लेम है। मगर एक साफ तरफ से देख सकते हैं एनआईए अंदर आते हुए तो बहुत परेशान हो रही है लोगों को, कि मतलब साफ साफ देख सकते हो कि एनआईए रेड जो हो रही है तो जने में लेके दफ्तर में हो रही है। एक तरफ से कोयम्बतूर, मुझे लगता है आज की सबसे बड़ी खबर होगी जिसमें पीएफआई पर शिकंजा कसता हुआ 10 राज्यों में अभी एनआईए की टीम पहुंची है और 10 राज्यों में पहुंचकर 100 से ज्यादा ठिकानों को खंगाला जा रहा है, देखा जा रहा है, ढूंढा जा रहा है। 100 से ज्यादा यानी अभी 105-106 वो संख्या है जो पीएफआई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया गया है। यश समीर राजू, नजर आप रखिएगा बाकी जगह से भी। ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अपडेट्स लगातार जुटाएंगे और सबसे पहले दर्शकों तक पहुंचाएंगे।